पूरी कौम को इस बड़े दिन पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूंगा, और उसके साथ साथ गिला भी है लोगों से, नहीं हुकूमत से। समझ में नहीं आता कि दफ्तरों में बैठ के ये लोग फैसला कैसे करते हैं। बड़ा दिन आज है, छुट्टी उन्होंने कल दी थी, क्यों? जब हम सबको पता था कि बड़ा दिन जुमा को पड़ेगा, उससे एक दिन पहले छुट्टी देने का मतलब क्या? मुझे जरा ये कभी किसी और त्योहार पर करके दिखाएं। इस साल जरा एक दिन पहले दिवाली की छुट्टी दे दे, मैं भी मानूं, क्योंकि इन चीजों से साबित होता है कि इन लोगों को हमारे जज्बातों की जरा सी भी कदर नहीं। और जब हम इस बात की शिकायत करते हैं, बजाय ये कि हमारी शिकायत का ये जायजा लेके उसको दुरुस्त करें, हमारे रील जो है जबरदस्ती उन चैनलों से फिर हटाए जाते हैं। आप हटा दीजिए जितने रील हटाएं, लेकिन जो आपने किया वो आप छुपा नहीं सकते हो। बजाय ये कि हमें बड़े दिन की छुट्टी मिले, आपने एक दिन पहले ही अपना काम आसान करने के लिए छुट्टी दी, ये बड़े अफसोस की बात है। ये चीजें जो है ये अच्छी बातें नहीं है। इस तरह से कहा जा रहा है कि जो पीएचडी के कॉलेज चल से उसको छोड़ दीजिए, आवाज छोड़ा देना, रहने दीजिए, आज पीएचडी की बात करनी है। क्या दुआएं अंदर मांगे सर? अमन के लिए, चैन, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो, और जो हमने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बड़ा केस लड़ा उसमें कामयाबी की दुआई। जिस तरह से कहा जा रहा है कि हालात सुधर रहे हैं, सब कुछ सामान्य है, तो इलेक्शन को कैसे रहेंगे? जब होंगे होंगे ना, लोगों को थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, इलेक्शन हो जाएंगे। जब तक इनकी हिम्मत नहीं आती तब तक नहीं होंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।